सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की सुबह हो गई है, पहला दिन है हमारा फार्म हाउस पे। तो वैसे तो अभी बज रहे हैं 11:09, लेकिन हम लोग उठ गए थे सवेरे 8:30। उसके बाद फिर बाद में फ्रेश वेश हुए, फिर बाद में थोड़ी देर बैठे नाश्ता किए, और अब सोचे हैं कि जो हमारा दूसरा गांव है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलाट, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं इसको बोलते हैं एलाट, और जो दूसरा गांव है जो ब्रिज के वो साइड आता है उसको बोलते हैं पैलाट। तो यहाँ पे क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं एलाट, जो हमारा पाट गांव है, वहाँ पे मतलब ज़्यादातर दुकानें नहीं हैं, जो भी कुछ लेनी है तो सामान लेने के लिए हम लोग को दूसरे गाँव ही जाना पड़ता। तो अभी घर पे मम्मी ने कुछ सामान मंगा है, तो हमारे डैड गए हैं उधर हाँ। लेने के लिए, तो उनको कुछ बच्चों का फेयर, बच्चे कुछ फेयर कर रहे हैं, गांव के बच्चे छोटे छोटे, तो अभी उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं। हमारे डैड ने बुलाए हैं, वो तो सामान लेने के लिए गए थे, जाते। ये देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हो जाएगी हमारी। यूजुअली हम जब सिटी में रहते हैं तब इतनी वॉकिंग नहीं करते, यूजुअली ज़्यादातर गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, बट यहाँ पे जब आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जितना गाड़ी अवॉइड करे उतना हम लोग अवॉइड करते हैं, और हम लोग बाइक वॉक जाते हैं सब जगह। और ये सारे यहाँ पर कबेलू और मिट्टी के घर हैं। और ये जो सामने जो घर आ रहा है गाइस, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे मतलब ये मेरी मम्मी के साइड का पुश्तैनी घर है, मेरे नाना का, जो पहले के टाइम पे सबसे बड़ा घर हुआ करता था। मतलब आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा मेरे फैमिली के बारे में गाइस, जैसे मेरे मॉम डैड दोनों भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों भी खानदानी है, तो आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। और ये देखो गाइस, आ गया है मेरे नाना का घर। तो कभी फुर्सत में अगर चाबी मिलती है तो मैं ये घर खोल के आपको ये घर भी पूरा बताऊंगा। हम लोग मतलब ज़्यादातर बचपन में तो यहीं उतरते थे, तभी हम लोग का घर वहाँ पे बनाए नहीं थे। यूजुअली हम लोग सब जॉइंट फैमिली आती थी और सब इधर ही रुकते थे, सब एक साथ रुकते थे, खेलते कूदते थे, और बहुत मज़ा आती थी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये रास्ते से अभी हम लोग ऊपर गांव में आ चुके हैं। हम लोग का राइट, तो हम लोग का घर थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, थोड़ा गांव के बाहर है। हम लोग के दो ही मतलब बंगले, मेरी खाला अम्मी का एक और हम लोग का एक, जो नीचे के साइड है, और ये बाकी के गाँव के बंगले और छोटे से घर। और भी एक बहुत बड़ा घर है हमारे गांव में, बताता हूँ आपको। तो गाइस ये और एक शानदार बंगला हमारे गांव में, ये यूजुअली मेरी मॉम का गांव है जिसका नाम है पाट गांव। और हम लोग जो हमारे घर को तो फार्म हाउस ही बोलते हैं, क्योंकि नीचे की साइड है और पूरा फार्म है और ओपन है, और ये सामने मस्जिद है, पाट गांव मस्जिद। तो गाइस अभी हम लोग जिस घर में रुके हैं, ये मेरे बड़े मामू का घर है, ये जस्ट मस्जिद के सामने वाला सबसे पहला घर है। अभी हम लोग जा रहे हैं साथ में, तो मामू ने बोले कि उनको भी जाना है फेयर में, तो अभी हम लोग उनको भी साथ में लेके जाएंगे, और देखते हैं क्या किया बच्चे लोग ने, उनके स्टॉल्स वॉल्स देखेंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वैक्स खाएंगे। मामू का घर
उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उनके हिसाब से ये 6 बेडरूम का घर है और इनका भी कंपाउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है इंशाल्लाह। तो कर सकना है कि इसको भी सारी चीज़ें यहाँ पे जो जो है वो भी दिखाऊंगा मैं, जो कुछ हार्ड लगे। और हम लोग का भी घर का टूर देना बाकी है गाइस, तो वो भी घर पे जाके आपको मम्मी ने जो भी गार्डन में लगाए हैं फल पौधे जो भी आए हैं वो भी उसके भी अपडेट्स दूंगा। और ये जस्ट सामने मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। ये देखो गाइस बाहर से ये मेरे बड़े मामू का बंगला ऐसा दिखता, इसका अच्छे से टूर करवाऊंगा आपको। अभी हम लोग निकल पड़े पहला के लिए, वॉकिंग वॉकिंग जा रहे। गाइस ये गांव के थोड़े पुराने घर अभी भी बचे हैं यहाँ पे, अभी जा रहे चल चल के। यहाँ पे देखो गन्ने के झाड़ लगे हुए, ये पूरी गन्ने की खेती है गाइस। सो देखिए गाइस जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये गांव से वो गांव जाने के लिए ब्रिज आता, तो ये ब्रिज है और इसके आजू बाजू सब गन्ने के खेत है। यहाँ पे जो डैम का पानी छोड़ता है तो उसकी एक नदी है यहाँ से क्रॉस होती है, और यही नदी के ऊपर से ये ब्रिज क्रॉस होता है। वहाँ पे लोग कपड़े भी धोते हैं। अपन कैसे जा सकते इधर? इधर पानी के जाने का उधर से है ना, गाड़ी भी जाती है सब जाती है। जो रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पे अभी ज़्यादातर रहता है, क्योंकि गांव की लाइफ ऐसी है कि थोड़ा भी आप रहोगे ना यहाँ पे तो आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, सांसें खुल जाती है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं यहाँ पे हर्बल लाइफ। तो गाइस हम लोग आ गए पहलाड, और ये कुछ दुकानें, ये सबसे फेमस दुकान है यहाँ की, और भी आगे 3-4 दुकानें यहाँ पर बड़ी बड़ी, तो यहीं से हम लोग अपना सब सामान लेते। इसको बोलते हैं ये माप सेकर की दुकान है, सेकर जनरल स्टोर। तो गाइस देखो जैसे आप देख सकते हो आगे बच्चे लोग के स्टॉल्स लगे, गाइस जैसे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे लोग ने स्टॉल्स लगाए। क्या मिल रहा है यहाँ पे? मसाला पाव। मसाला पाव, मसाला पाव बेच रही है। जाकड़े का आया था वड़ा पाव, तो देखो 10 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा है। इसको बोलते हैं आपे चटनी, अप्पे अप्पे। यहाँ पे भी है गुलाबपुर मिसल, तो अभी देखते हैं ट्राई करते हैं। और ये रहे अब्बू भी दिख गए, ये रहे अब्बू। मैंने सब निकाला वीडियो, लेकिन ये हमारे गांव के कुछ बच्चे जिन्होंने पानी पूरी का स्टॉल लगाया।
तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी पानी पूरी ट्राई करेंगे। ये बच्चों ने लगाई है पेटिस के स्टॉल, काय कटलेट आए, ब्रेड कटलेट, पेटिस पेटिस है, पेटिस एक्चुअली गाइस हम लोग थोड़े से लेट हो गए, तो ऑलमोस्ट बच्चे लोग ने अपने सारे सामान बेच के ऑलमोस्ट चले गए आधे लोग, और ये जो भी बचे कुछ है तो बाकी है। ये मेंदू वड़ा है, चिवड़ा, समोसा, कितना है समोसा? इतने समोसा 10 रुपए। एक समोसा अभी ट्राई कर रहा है ये मेरे डैड। अबू आपने खाया कुछ? मैंने खाया बाबा, तो हमने क्या क्या लिए अभी? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ब्रेड पकोड़ा। हाँ, और अभी क्या ले रहे? अभी समोसा ट्राई कर रहे, ठीक है ट्राई करके बताओ मुझे कैसा है। मामू को उधर ही छोड़ दिया हम लोग, अभी जाएंगे उनके पास भी, वो अकेले खड़े हैं। कैसा है? ओके क्या है वाड़ा तुझा कड़े? डोसा आणि कितीला आहे? 10 रुपये। डोसा ट्राई करने का? ये भी एक बच्चे की पानी पूरी है। मामू और कुछ ट्राई करेंगे? ऐसा क्या कुछ दिया तू, पागल हो गया? अरे चलो ना, क्या हो गया? गाइस ये एक और एक है पानी पूरी, हम लोग ट्राई करने वाले इनकी भी। क्या चाहिए आपको? और समोसा चाहिए, बहुत अच्छा था वो, मम्मी के लिए लेना है। वड़ा पाव नहीं चाहिए क्या? तो इधर भी ये बच्चे लोग कुछ भेज रहे, शायद भजिया है, गेस खाना रे कौन? नहीं नहीं कांदा भजिया है। यहाँ पे जाते आते एक और स्टॉल मिल गया पाव भाजी का, देखते हैं कि पाव भाजी कितने की। कितनी ली है पाव भाजी? 5 रुपए पाव भाजी, एक देना पाव भाजी। भाजी और पाव देखो। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6, और वहाँ से फूड कार्निवल से आने के बाद आके थोड़ी देर बैठे थे हम लोग, फिर खाना वाना खा के मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा था क्योंकि रात भर ड्राइव किया था मैंने, फिर उस वजह से थोड़ा मैं लेट गया। फिर मेरी आँख अब भी जस्ट खुली तो मुझे याद आया कि मैं शाम की अपडेट्स नहीं दे पाया था आपको, तो वो देखिए हमारा फार्म हाउस और
ये सब हमारी नाना पर नानाओं की ज़मीन है। ये पूरा आगे तक के पूरी ज़मीन है और बहुत सारे झाड़ है, जैसे ये पेरू का झाड़ है, फिर यह आम का झाड़ है, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको काजू के झाड़ बहुत देखने मिलेंगे क्योंकि ये एरिया काजू के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको काजू देखने मिलेंगे। देखिए गाइस, ये भी एक काजू का झाड़ है और ऐसे बहुत काजू के झाड़ है। आपको जब मैं ऊपर जब जाऊँगा ना जंगल में, तो वहाँ पे और भी मेरे नानाओं की ज़मीन है, तो वो सब बताऊँगा। जिसको नंबर बोलते हैं, जो डोंगर है उसका नाम नंबर रखे यहाँ के गांव वालों ने, तो वहाँ पे भी बहुत सारे फल फ्रूट्स के झाड़ हैं, तो आपको वो भी एक्सप्लोर करवाऊँगा। वो देखिए मेरा फार्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।